राजस्थान के बाड़मेर में बीती रात एक भीषण आगजनी की घटना हुई। जिले के गुड़ा मलानिया थाने के सामने मुख्य बाजार की इलेक्ट्रॉनिक्स और किराना की दुकान में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। करीब 4.5 घंटे की मशक्कत और 5 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। थाने के सामने मुख्य बाजार की इलेक्ट्रॉनिक्स और किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से देर रात 2 से 3 बजे के करीब आग लगी थी। आग धीरे धीरे विकराल रूप ले रही थी और आग की लपटें दूर से दिखाई देने लगी थी। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद RGT बालोतरा और बाड़मेर से 5 दमकलों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी की बड़ी घटना ने करोड़ों रुपए की दुकानों में रखी हुई सामग्री को स्वाहा कर दिया। आपको बता दें, इस मार्केट में करीब 100 दुकानें जुड़ी हुई हैं और सभी आसपास में सटी हुई हैं। अगर समय पर आग पर नियंत्रण ना पाया जाता तो भारी मात्रा में नुकसान हो सकता था। वहीं आपको बता दें, बीते 3 दशक में 6 बार विधायक बने हेमाराम चौधरी भी यहां की मांग के अनुसार अग्निशमन वाहन की व्यवस्था नहीं करवा सके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अग्निशमन वाहन गुड़ा मलानिया उपखंड पर नहीं है, जिसकी बेहद आवश्यकता है। इसी के चलते इस आगजनी की घटना के बाद 100 किलोमीटर दूर से अग्निशमन को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। गुड़ा मलानिया उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि लगातार दमकल की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा एक भी दमकल नहीं दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्गा राजपुरोहित की रिपोर्ट।